कि तुम अल्लाह के लिए अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो हुक्म दिया जा रहा है दोस्त अल तो अल्लाह के बंदों से अपने भाइयों से ईमान वालों से अल्लाह के लिए मोहब्बत किया करो यानी आपस में अदावत नफरत के बजाय दिल की सारी कुदूरत बीमारियों को ख़त्म करके ईमान वालों से तुम मोहब्बत करो अल्लाह की रजा के लिए सालहीन से मोहब्बत करो अल्लाह की रा के लिए ये सबसे बड़ा अमल है, अल्लाह अकबर, हिब्बलिल्लाह, तुम मोहब्बत करो अल्लाह के लिए अल्ला हुक्म दे रहे हैं इस हदीस से भी पता चला कि जिस तरह से हमें रोदे नमाज का हुक्म दिया गया है ऐसे ही हमें अपने मुसलमान भाइयों से मोहब्बत करने का भी हुक्म दिया गया आपसे पूछा जाए यार आमाल कभी पूछा किसी ने यारसो सबसे बेहतरीन अमल क्या है आ नफरमा वक्त है, अवल वक्त नमाज पढ़ना यहाँ ने जबल पूछ रहे हैं रोजे नमाज सब आला दर्जे के हैं उनके पास आला दर्जे की नेक हैं रोज़े की भी पाबंद नमाज के भी पाबंद उन्होंने जब पूछा यार अल्लाह तो के लिए मोहब्बत करो किसी इंसान से अपने मुसलमान भाइयों से अपने मुसलमान बहनों से मुसलमान दोस्त अहबाब से तुम अल्लाह के लिए मोहब्बत करो ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें